कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली में पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि पतंगराव कदम का 2018 में निधन हो गया था। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय और कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात भी मौजूद रहे। इससे पहले दोनों नेताओं ने नांदेड़ में दिवंगत सांसद वसंतराव चव्हाण के परिवार से मुलाकात की। 69 साल के चव्हाण का लंबी बीमारी से जूझने के बाद 26 अगस्त को हैदराबाद में निधन हो गया था। चव्हाण ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रताप चिखलीकर को हराकर नांदेड़ सीट जीती थी। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। भाजपा शिवसेना की सरकार का कार्यकाल नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैंने लोकसभा में कहा है कि कुछ भी हो जाए, जातीय जनगणना करवाएगी तो कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन करवाएगा, क्योंकि हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं कि इस देश के धन का फायदा किस वर्ग को हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी, कांग्रेस पार्टी करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं, इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है, कौन से वर्ग को हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं और ये हम काम करवा के दिखाएंगे।